ठीक है, तो इतने चार दिन से तो खाया ही होगा बैठ के? नहीं यार, इतना है हमारे पास, हम खाली खाया या पिया भी? 10 साल तक खाने बैठ के इतना है हमारे पास। कमा के रखा है, दबा के तो नहीं रखेंगे, खाने के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए तो कर रहे हैं, रखने के लिए करते हैं, खाएंगे बैठ के आराम से। चलो, आप आज ही लाए हो या 4 दिन पहले का? अच्छा अच्छा, तो कितना खराब हुआ आपका सब्जी, कितना खराब हुआ? 5000 रुपए की सब्जी खराब हो गई है। तो क्या गाय को खिलाई या कचरे में फेंक दी? ग्राहक नहीं आता। अच्छा, तुमसे बोलता हूँ कि सारे ग्राहक आए हैं और मसाला खरीदे, खुल गई है दुकान। हेलो एवरीवन, एक बार से स्वागत है मेरे नए वीडियो के साथ। आज मैं हूँ इस वक्त हल्द्वानी शहर में, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के बंद भुलनपुरा क्षेत्र में हूँ। ये सामने का एरिया जो आप देख रहे हैं, ये है बंद भुलनपुरा क्षेत्र। यहाँ पर अभी भी 5वां दिन है, कर्फ्यू जारी है। तो यहाँ पर से आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी मैं जरा ये साइड आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर बाजार में सब्जी लेने के लिए लोग आए हुए हैं और यहाँ पर फ्रूट लेने भी आए हैं। यहाँ पर केले का ठेला ये खुल गया है। फ्रूट ज्यादा महंगा है नहीं, सस्ता ही है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अभी मैं यहाँ पर होलिका ग्राउंड के ठीक यहाँ पर हूँ, जहाँ पर ये ठेले लगते थे, ये तो अभी फिलहाल ऑलमोस्टली बंद है। और मैं यहाँ पर जरा दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो बल्ब चोरी हो गए थे ना, वो वाली दुकान है, बल्ब सारे निकाल दिए हैं क्योंकि और चोरी ना हो जाए इस तरीके से। और ये होलिका ग्राउंड है, और ये जरा नीचे का से इधर का क्षेत्र मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सिंधी चौराहा है। और यहाँ को मतलब बाजार ना नॉर्मल हो चुका है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटरनेट अभी फिर भी यहाँ पर है नहीं, इंटरनेट यहाँ पर बंद ही है। और जो ये होलिका ग्राउंड है, इसका भी काम रुका हुआ है क्योंकि कर्फ्यू लगा हुआ है, लेबर वगैरह कोई है नहीं, सामान वामान नहीं है, तो अभी यहाँ पर फिलहाल बंद ही है ये। और मैं अगर आपको जरा अंदर को चलता हूँ, यहाँ पर राशन खुला है कि नहीं खुला है वो आपको दिखाते हैं। तो अभी मैं राशन की दुकान की तरफ आ चुका हूँ यहाँ पर, और हल्द्वानी में लगभग राशन की दुकान ऑलमोस्टली खुल चुकी है। यहाँ पर आपको राशन वगैरह यहाँ पर लगभग मिल ही जाएगा, सारी दुकानें यहाँ पर ऑलमोस्टली आज कर्फ्यू का 5वां दिन है, खुल गई है। इंटरनेट सेवा यहाँ पर बिल्कुल भी चालू नहीं है। देखो कैसे हो सर, मसाले की दुकान भी खुल गई है, देखो भैया। हेलो कैसे सर? तो भैया ने मसाले की दुकान खोल दी है आज से यहाँ पर। क्या कितने बजे खोली सर दुकान? 1 घंटा हो गया। अच्छा, कितने बजे तक चालू रखने बोले? 3 बजे तक बोल रखा है वैसे। अच्छा, 3 बजे तक आप दुकान खोल के रखिए कंटिन्यू। नेट चल रहा है ये साइड में? नहीं अभी चल रहा है, नेट नहीं चल रहा ना। अच्छा चलो ठीक है, ग्राहक आ रहे नहीं आ रहे फिर? ग्राहक नहीं आ रहे। अच्छा अच्छा, चलो मैं वीडियो के माध्यम से बोलता हूँ कि सारे ग्राहक आए हैं और मसाला खरीदे, खुल गई है दुकान। डरा हुआ है अभी? हाँ 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 हाँ, चलो धन्यवाद। अभी ग्राहक डरा हुआ है, खुल गई है यहाँ पर, देख सकते हैं सारी दुकानें यहाँ पर राशन की खुली। 3 बजे तक यहाँ पर दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। यहाँ पर 3 बजे तक आप यहाँ पर दुकान खोल सकते हो। चक्की वगैरह सारा कुछ चालू हो गया है यहाँ पर। लोग बात धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की ओर आ रहे हैं। और यहाँ को देखिए, ये नज़ारा यहाँ का, ये सफल चुका है लगभग इस तरीके से। राशन वगैरह सब यहाँ पर खुल गया है, उधर को नहीं खुला है, इधर को खुल गया है। यहाँ को अभी मैं थोड़ा नीचे को ले चलता हूँ, गली में भी लगभग कुछ दुकानें खुल गई हैं। कैसे हो सर? कितने बजे खुली सर दुकान? कितने दिन बंद कर दी थी आपने? कितने दिन बंद थी दुकान? क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पर ये आतंक हो रहा है, पब्लिक की राय क्या है? एक की वजह से यहाँ पर पूरे हल्द्वानी को यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। कितना नुकसान, करोड़ों का लगभग नुकसान हो चुका है। वहाँ जो सती थी वो तो थी, बाकी यहाँ जो बाजार में अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ गई है, इस पे क्या कहेंगे आप? बाजार तो खोल दिया ना? हाँ, खोल दिया। 4 बजे तक ओपन रहेगा, फिर कल से रहेगा इंटरनेट सेवा बंद रहेगी यहाँ? रेंज कम आ रहा होगा। चलो ठीक है, ग्राहक आए, मैं वीडियो के माध्यम से ये बोलता हूँ कि मार्केट खुल गई है और हल्द्वानी के जितने भी ग्राहक हैं सब आए और मार्केट में शॉपिंग करें। तो इस तरह से नज़ारा है यहाँ का, और यहाँ भी लगभग मार्केट ऑलमोस्टली लगभग खुली चुकी है। आगे को देखिए, ये देखिए सर, खोल दी सर दुकान? ग्राहक नहीं है आपका? अच्छा, जाने की संभावना है, आपको क्या लगता है? बहुत जल्दी पकड़ ली पुलिस, घर घर से निकाल लिया आपको, सबको एक एक अपराधी को पकड़ ली। अच्छा, यहाँ का शांति व्यवस्था कैसी है अभी? मार्केट में लोग आ रहे हैं, हलचल है? हाँ हलचल है, हलचल है, थोड़े थोड़े हल्के हुआ आज से। बाजार पुलिस ने खोलने नहीं गया था, व्यापार मंडल ने खुलवाया बाजार। व्यापार मंडल पहला दिन है? पहला दिन है आपका। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे। तो यहाँ पर कुछ कहना है लोगों का? तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर हल्द्वानी के सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी में यहाँ पर व्यापार मंडल ने ही खुलवाई है, वैसे प्रशासन बिल्कुल भी इसको खोलने के तर्क में नहीं था। और आज पर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं। काका नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया है सर। सब्जी की दुकान कहाँ है आपकी? खाली बीज लिए बैठे हो? खाली बीनी है। अच्छा अच्छा, तो इसमें तो काफी खराबी हो गई, फफूंद जम गई। कितने हजार का नुकसान? करनी वैसी भरनी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। देखो आपने दुकान नहीं खोली, जैसे करोगे वैसे भरोगे। धन्यवाद। 50,000 का नुकसान वो भी झेलेंगे हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कमा के रखा है, दबा के चोरी रखेंगे, खाने के लिए कर रहे हैं, कमाने के लिए तो कर रहे हैं, रखने के लिए करते हैं, खाएंगे बैठ के आराम से। चलो ठीक है, तो इतने 4 दिन से तो खाया ही होगा बैठ के? नहीं यार, इतना
है हमारे पास। हम खाली खाया या पिया भी? 10 साल तक खाने बैठ गया है हमारे पास। बताओ खाया या पिया भी सर? सब खाया पिया सब है हमने। धन्यवाद। तो यहाँ पर अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क है यहाँ पर। हेलो अंकल, नमस्कार। नमस्कार। कितना टमाटर खराब हुआ 4 दिनों के अंदर? 4 दिन के अंदर 3 क्विंटल खराब हो गया। 3 क्विंटल 3 बोरी तो क्या क्या? अच्छा 3 क्विंटल 300 किलो सब फेंक दिया। अच्छा फेंक दिया 4 दिन के अंदर। गौशाला देखे पुलिस वालों को देखे। तो आज 4 बजे तक है तो आप उम्मीद करते हैं कि सारा टमाटर बिक जाए आपका? चलो धन्यवाद। तो इस तरह से सब्जी भी लोड हो रही है यहाँ पर और यहाँ का दिखा देते हैं। व्यापारी मंडली ने बैठक करी और बाजार खोलने की अनुमति मांगी और उनको लगभग 3 बजे तक ढील दी गई है। 3 बजे तक खुल जाएगा। हेलो सर, कैसे हो? क्या हाल चाल है? तो कितने बजे खोली दुकान? अभी खोली थोड़ी देर पहले। अच्छा, तो ग्राहक आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं। तो इतने दिन से जो आपकी सब्जी पड़ी हुई थी ये, तो क्या ये नुकसान हुआ? कोई सड़ी और कोई खराब हुई क्या सब्जी? तो होती है खराब, कच्चे आइटम ठहरे हो। आपको कितना नुकसान हुआ इन 4 दिनों के अंदर? सब्जी है रखी है वो तो नुकसान तो हुई होगा, सड़ी है। मतलब कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग हो गया होगा 5-7-10 हज़ार का माल था जो। 10 हज़ार का माल खराब हो गया 4 दिनों में, तो नुकसान हो गया। तो इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? कमा के करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कितने 3 बजे तक खोलने की अनुमति है? 4 बजे। ठीक है, धन्यवाद। तो अभी 4 बजे तक मार्केट खुलेगी। काफ़ी नुकसान हो गया बता रहे हैं ये। देखिए ये देखिए, सब्जी ज़्यादा है नहीं, वही पुरानी सब्जी है, थोड़ा बहुत नहीं लाए हैं क्योंकि इतने दिन से बंद थी तो वही रखी हुई है। कुछ नया भी है सब्जी यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी सी सब्जी की मार्केट है, अभी छोटी सी कर दी है इन्होंने। आज ही लाए हो या 4 दिन पहले का? अच्छा, तो कितना खराब हुआ आपका सब्जी? कितना खराब हुआ? बहुत, 5000 रुपये की सब्जी खराब हो गई है। तो क्या गाय को खिलाई या कचड़े में फेंक दी? खिलाई, कचड़े में फेंका यार। तो वहाँ तो गौशाला बना, वहाँ दे देते ना? अरे यहीं से भर के ले गए गौशाला वाले। अच्छा, चलो ठीक है। तो अच्छा, क्या सड़ गया सर आपका? मेरी मटर सड़ गई। अच्छा, मेरा जो है गोभी बेकार हुई, पूरी नुकसान हो गया मेरा बहुत। अच्छा, तो आप कितने हज़ार का नुकसान हुआ आपको? कम से कम 2000 रुपये नुकसान हो गया मेरा पूरा। अच्छा, उसकी भरपाई कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे अब? क्या करेंगे? अब्दुल मलिक से करेंगे क्या? बताओ, भरपाई अब्दुल मलिक करेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बताओ आप, बताओ कौन करेगा? अब्दुल मलिक कोई करे, क्या करना है? अपने आप करेंगे क्या? कौन करेगा? अच्छा, नहीं नहीं नहीं, आपका जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई कौन करेगा? अब क्या करें, जो हुआ वहाँ की जनता से जिसने पत्थर मारे क्या कुछ कर देंगे? नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे भाई।